नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुन रहा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 20 हरी और 15 लाल गेंदे। कितने हैं? 20 हरी गेंद है और 15 लाल गेंद है, एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? ये जो यहाँ पे प्रश्न है जो देख रहे हैं आप, ये प्रायिकता के प्रश्न हैं और प्रायिकता के प्रश्न जो है वो बहुत ही इजी होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है जिसमें से 20 हरी है और 15 लाल है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? उसमें से अगर हम हरी गेंद को चुनना चाहें तो उसकी संभावना कितना हो सकता है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल गेंद, कुल गेंदे लिख लेते हैं हम। कुल गेंदे क्या कर देंगे, दोनों को टोटल कर देंगे, 20 धन 15। तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। 35 गेंदे हैं कुल, कहाँ, उस बर्तन में। अब उसमें से क्या बोल रहा है, एक हरी गेंद को, हरी गेंद को चुनने की संभावना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हरी गेंद को चुनने की संभावना। अब हरी गेंद कितनी है हमारे पास, 20 है, तो 20 बटे हम कितना कर देंगे यहाँ पर, टोटल गेंदों में से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 बटे 35। अब 20 और 35 जो है किसी अंक से कटता है क्या, तो जी हाँ, 5 से कटता है, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो क्या आया आंसर, आया हमारा 4 बटे 7। कहाँ दिख रहा है 4 बटे 7, ऑप्शन नंबर बी में। तो प्रायिकता के प्रश्नों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे ही ताश के पत्ते वाला भी प्रश्न आता है, एक आध दिन मैं आपको ताश के पत्तों वाले प्रायिकता के प्रश्न लेकर आऊँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।